टीवी, मैं हूं आपके साथ मधुमिता। कहते हैं केंद्र के राजनीति का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। जरा सोचिए राजनीति की दृष्टि से कितना अहम हो जाता है ये राज्य और साथ यहाँ के राजनेता। उत्तर प्रदेश के नेताओं का जब भी जिक्र आता है तो अक्सर आंखों के सामने घूमने लगते हैं वो चेहरे जिन्हें सियासत के बाहुबली कहते हैं। इसलिए ऐसे ही नेताओं पर हमने सीरीज शुरू की है। सियासत के बाहुबली नाम से चल रही सीरीज में उत्तर प्रदेश को ही हमने सबसे पहले चुना है। आपने अभी तक मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे कई बाहुबलियों की कहानी सुनी होगी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से जुड़े सारे तक। उनका राजनीतिक जीवन क्या है, उनका परिवार क्या है, उनसे जुड़े विवाद और वो मजेदार किस्से जो उनकी जिंदगी का खास हिस्सा रहे। तो आइए आपको ले चलते हैं राजा भैया की दुनिया में। हत्या की साजिश, किडनैपिंग, लूट और घोटाले जैसे कई मामलों से जुड़ा है जिनका नाम, जेल से जिनका रहा है पुराना नाता। प्रतापगढ़ में सालों से सुनाई देती है जिस नाम की गूंज, वो है सियासत के बाहुबली राजा भैया। देश में बेशक राजे रजवाड़े और रियासतें खत्म हुए सालों बीत चुके हों, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की जनता आज भी कुंवर रघुराज प्रताप सिंह को अपना राजा मानकर पूजती है। इस इलाके में सिर्फ और सिर्फ राजा भैया और उनके परिवार की ही हुकूमत चलती है। अपनी दबंगई से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी एक खास जगह बनाने वाले राजा भैया का विवादों से चोली दामन का साथ रहा। कभी जेल के अंदर तो कभी जेल से बाहर रहकर रियासत के इस बाहुबली ने राजनीति में अपना जबरदस्त सिक्का आजमाया। राजा भैया का जन्म 31 अक्टूबर 1967 को कोलकाता में हुआ। राजा भैया के पिता प्रतापगढ़ की भद्री रियासत के उत्तराधिकारी थे, यानी रघुराज प्रताप सिंह चांदी की चम्मच लेकर ही पैदा हुए और दबंगई उनके खून में रही। राजा भैया की तरह ही उनके पिता का कद भी प्रतापगढ़ में काफी ऊंचा रहा और वो हमेशा चर्चा में थे। खासकर इंदिरा गांधी के शासन में उदय प्रताप ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। दरअसल उदय प्रताप की रियासत यानी प्रतापगढ़ कांग्रेस के पारंपरिक गढ़ रायबरेली से बेहद करीब है और इसलिए इंदिरा गांधी की इस इलाके में खासी दिलचस्पी थी। 1974 में राजा भैया के पिता उदय प्रताप ने अपनी रियासत को एक अलग राज्य घोषित कर दिया। ये बात दिल्ली तक पहुंची। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तुरंत सेना की टुकड़ी प्रतापगढ़ भेज दी। कहते हैं तब से लेकर आज तक राजा भैया के परिवार कांग्रेस से दूरी ही रही। कांग्रेस से अलगाव की एक अन्य वजह ये भी थी कि उदय प्रताप सिंह आरएसएस से जुड़े हुए थे। हालांकि राजा भैया के दादा बजरंग बहादुर सिंह, जो पंत विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति थे और हिमाचल प्रदेश के दूसरे राज्यपाल भी रहे, उनका कांग्रेस से अच्छा तालमेल रहा। राजा भैया बेशक शाही परिवार से रहे हैं और उनके परिवार की राजनेताओं से हमेशा नजदीकियां भी रही, लेकिन उनके परिवार से अभी तक कोई राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं हुआ। राजा भैया ने ही 1993 में परिवार से पहली बार राजनीति में कदम रखा। कहते हैं राजा भैया के जन्म से पहले ही उनके पिता के गुरु देवराहा बाबा ने बेटे के पैदा होने से पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। ध्यान रहे कि इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नेता देवराहा बाबा के सामने सिर झुकाते। राजा उदय प्रताप एक बार अपनी पत्नी के साथ देवराहा बाबा के आश्रम में देवरिया गए थे। तभी उन्होंने उदय प्रताप को ये बताया था कि जल्द ही उनके घर में एक बेटा जन्म लेगा। राजा भैया का नाम रघुराज प्रताप सिंह भी खुद बाबा ने ही रखा था और बाबा ने ही सबसे पहले उन्हें राजा बुलाना शुरू किया। अपने पिता की तरह राजा भैया भी बाबा देवराहा के अनुयायी रहे हैं। बेशक बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया है, लेकिन आज भी राजा भैया अपने किसी बड़े काम को करने से पहले देवरिया में उनके आश्रम में जरूर जाते हैं। अब बात करते हैं राजा भैया की पढ़ाई लिखाई के बारे में। राजा भैया की पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद से शुरू हुई। सबसे पहले नारायणी आश्रम के महाप्रभु स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया। बाद में इलाहाबाद के ही स्काउट एंड गाइड स्कूल से उन्होंने आगे की पढ़ाई की। लखनऊ यूनिवर्सिटी से राजा भैया ने ग्रेजुएशन भी किया। राजा भैया को घुड़सवारी का काफी शौक है, इसलिए वो अक्सर खाली वक्त में घुड़सवारी करते हैं। इसके अलावा निशानेबाजी में भी वो काफी रुचि रखते हैं। सियासत के इस बाहुबली का एक और शौक अक्सर चर्चा में रहा है और वो है एयरक्राफ्ट उड़ाना।
कहते हैं एक बार वो प्लेन उड़ाते हुए बार बार बच गए थे, बावजूद इसके उनका ये शौक अब भी कायम है। राजा भैया की शादी बस्ती रियासत की राजकुमारी भानवी देवी से हुई। दोनों के चार बच्चे हैं, दो बेटे शिवराज सिंह और ब्रज राज सिंह, जबकि दो बेटियां भी हैं जिनका नाम राघवी और विजयश्री। अब बात करते हैं राजा भैया के राजनीतिक जीवन की। राजा भैया के राजनीतिक जीवन की बात करें तो उनकी शुरुआत होती है 1993 से। इसी साल पहली बार राजा भैया ने प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। उस वक्त कुंडा सीट पर कांग्रेस के नियाज हसन का दबदबा था। नियाज कुंडा से 6 बार सीट जीत चुके थे, लेकिन 26 साल के राजा भैया ने अकेले न सिर्फ नियाज को चुनौती दी बल्कि जीत भी दर्ज की। राजा भैया बीजेपी और समाजवादी पार्टी सरकार के मंत्री भी रहे। पहली बार कल्याण सिंह सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। उसके बाद एक बार फिर बीजेपी सरकार में 1999 में वो खेलकूद और युवा कल्याण मंत्री बने। इसी दौरान वो राजनाथ सिंह के बेहद करीब आए और आज भी उन्हें राजनाथ सिंह का खास माना जाता है। 2004 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, रघुराज प्रताप यानी राजा भैया समाजवादी पार्टी से मिल गए और उन्हें खाद्य और रसद मंत्री भी बनाया गया। ये दौर था जब राजा भैया का कद बढ़ता ही जा रहा। उत्तर प्रदेश में उनकी दबंगई के जलवे थे। एक तरफ जहां वो अपनी सियासी ताकत बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अपराध से भी नाता खत्म नहीं हो रहा था। रघुराज प्रताप सिंह यानी राजनीति के राजा भैया के लिए सबसे मुश्किल वक्त रहा जब मायावती की सरकार आई। 2002 में बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई। इस दौरान राजा भैया पर झांसी के पूर्व विधायक पूरन सिंह बुंदेला के अपहरण का आरोप लगा। राजा भैया पर कोटा के तहत कार्रवाई भी हुई और उन्हें 2.5 साल तक जेल में रहना पड़ा। हालांकि बाद में उनके ऊपर से कोटा कानून हटा दिया गया। इस दौरान उनकी बेटी कोठी में छापेमारी भी की गई थी। बाद में इस तरह की अफवाहें भी सामने आई कि उनके आंगन में बने तालाब के नर कंकाल और हथियार मिले हैं। इस रहस्यमय तालाब को लेकर कई किस्से कहानियां भी जुड़ी हैं। इस तरह की अफवाहें भी हैं कि तालाब में मगरमच्छ रखे गए हैं और राजा भैया अपने दुश्मनों को मौत देने के लिए इसी तालाब में डाल देते हैं। कहते हैं एक बार पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से मिलने राजा भैया पहुंचे हुए थे। उसी दौरान लालू प्रसाद यादव भी वहां पहुंच गए। रघुराज प्रताप को लालू यादव से मिलवाया गया और फिर राजा भैया वहां से बाहर निकल गए। तब लालू यादव ने चंद्रशेखर से पूछा कि क्या ये वही राजा भैया है जो अपने आंगन के तालाब में मगरमच्छ पालते हैं। फिर क्या था, चंद्रशेखर ने भी राजा भैया को वापिस अंदर बुलवा लिया और लालू यादव ने अपने ही अंदाज से राजा भैया से सवाल पूछ लिया, क्यों जी मगरमच्छवा सही से पाले हैं? इस सवाल सुनते ही राजा भैया हंस पड़े। राजनीति का ये किस्सा बेशक एक मजाक हो, लेकिन इस तरह के विवादित सवालों में अक्सर राजा भैया घिर ही जाते हैं। 2010 में भी मायावती की सरकार के दौरान ही राजा भैया एक बार फिर जेल की सलाखों के पीछे गए। इस बार उन पर पंचायत चुनाव में उम्मीदवार को धमकाने का आरोप लगा। हालांकि 2011 में फिर वो बाहर आ गए। 2012 में वो अखिलेश सरकार में मंत्री भी बन गए, लेकिन एक बार फिर 2013 में उन पर हत्या का आरोप लगा। राजा भैया का नाम प्रतापगढ़ के डीएसपी जिया उल हक के मर्डर में आया। इस घटना के बाद उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। मामले की सीबीआई जांच शुरू हुई और सीबीआई ने राजा भैया को क्लीन चिट दे दी, लेकिन डीएसपी की पत्नी ने केस को इलाहाबाद हाईकोर्ट में फाइल किया और सीबीआई ने एक बार फिर इस मामले की जांच शुरू की। रघुराज प्रताप सिंह पर अब तक 47 केस दर्ज हो चुके हैं। इनमें से कई मामलों में उन्हें क्लीन चिट भी मिल चुकी है। कई मामले अब भी उन पर बने हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके उनका राजनीतिक कद कभी छोटा नहीं हुआ। 2018 में रघुराज सिंह ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नाम से अपनी पार्टी बनाई और 2022 में पहली बार इस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार उतरे। राजा भैया की पार्टी को कुंडा के अलावा इस बार बाबागंज की सीट से भी जीत मिली थी। हर बाहुबली नेता की तरह राजा भैया की भी जबरदस्त फैन फॉलोइंग।
एक वर्ग उन्हें गरीबों का मसीहा मानता है। कुंडा में राजा भैया कई सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। राजा भैया का एक जनता दरबार भी लगता है। इसके अलावा लड़कियों का सामूहिक विवाह का आयोजन भी कुंडा में करवाया जाता है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के वैवाहिक जीवन की, तो उनका विवाह भानवी सिंह से साल 1995 में हुई थी। उनकी पत्नी भानवी सिंह बस्ती के घराने की बेटी है। इस शादी में स्वर्गीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भी शामिल हुए थे। राजा भैया के शादी की विदाई की रस्म की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बता दें, भानवी सिंह की मां मंजुल सिंह ने मुलायम सिंह के ऊपर लाल रंग फेंक दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात सिक्योरिटी के जवानों में अचानक अफरा तफरी मच गई थी। वे समझ नहीं पाए कि आखिर मुख्यमंत्री के साथ हुआ क्या है, मगर बाद में लोगों ने रस्म के बारे में बताया। लाल रंग में सराबोर मुलायम सिंह यादव ने रस्म को सहर्ष स्वीकार किया और वाक्य को हंसकर टाल दिया। शादी के बाद 1996 में भानवी सिंह ने दो जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, लेकिन अफसोस की बात ये रही कि इन दोनों जुड़वा बेटियों में से एक की मौत हो गई। इसके बाद साल 1997 में फिर भानवी ने एक बेटी को जन्म दिया। हालांकि बेटे की चाहत के लिए पति पत्नी को कुछ साल इंतजार और करना पड़ा। साल 2003 में भानवी सिंह ने दो जुड़वा बेटों को जन्म दिया। राजा भैया और भानवी सिंह के दो बेटे शिवराज और ब्रजराज हैं, जबकि बेटियों के नाम राघवी और ब्रजेश्वरी हैं। दोनों राजघरानों की चर्चित शादी के कुछ साल बीतने के बाद अब रिश्तों में खटास आ गई। पति पत्नी पिछले कई सालों से एक साथ नहीं रह रहे हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली के कोर्ट में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने अपनी पत्नी भानवी सिंह के खिलाफ मैट्रिमोनियल केस भी फाइल कर रखा। राजा भैया की पत्नी भानवी चर्चा में तब आई जब उन्होंने इसी साल फरवरी माह में अपने ही देवर और MLC अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल पर उनसे जुड़ी हुई कंपनियों में उनकी जाली दस्तखत करके शेयर बेचने का आरोप लगाया। भानवी कुमारी ने अपनी शिकायत में कहा कि वो अपनी कंपनी श्रीदा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डायरेक्टर और मेजोरिटी शेयर होल्डर है। भानवी का आरोप है कि अक्षय प्रताप सिंह ने उनके जाली डिजिटल हस्ताक्षर कराकर कंपनी के मेजोरिटी शेयर हथिया लिए और साथ ही खुद को और अपने साथियों को कंपनी का डायरेक्टर नियुक्त कर लिया। उन्होंने कहा कि अक्षय प्रताप सिंह फ्रॉडी इंसान हैं, जिनके ऊपर पहले से ही IPC के कई मामले दर्ज हैं। बता दें कि अक्षय प्रताप सिंह रिश्ते में राजा भैया के चचेरे भाई लगते हैं। केस दर्ज होने के बाद जब राजा भैया से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले में वो अपने भाई अक्षय प्रताप सिंह के साथ हैं। जो भी हुआ वो घर घर की कहानी है। राजा भैया ने आगे कहा कि स्वाभाविक रूप से वो अपने छोटे भाई के साथ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी सच्चाई होगी वो जांच में सामने आ ही जाएगी, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक उन्हें जानकारी है कि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं हुई है, ये जांच का भी विषय है। ये थी कुछ जानकारी उनकी पत्नी के बारे में। आइए एक बार फिर आपको ले चलते हैं राजा भैया की दुनिया में। बता दें, हाल ही में सोशल मीडिया पर राजा भैया की तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें राजा भैया शंख बजा रहे थे। तब वो गंगा सागर की यात्रा पर गए थे। तस्वीरों में वह गंगा सागर में कुटिया के बाहर रेत पर बैठकर पूजा करते और शंख बजाते हुए दिख रहे थे। वह अपने समर्थकों के साथ बोट पर बैठकर घूमते भी दिखे थे। इसमें उनके चचेरे भाई MLC अक्षय प्रताप सिंह भी नजर आए थे। राजा भैया से जुड़ी कुछ रोचक बातें भी हैं जो काफी दिलचस्प हैं। बता दें, उन्हें बचपन में अपने पिता उदय प्रताप सिंह से बहुत डर लगता था। राजा भैया स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं और अब तक उन्हें कोई हरा नहीं सका। अपने एकांत समय में राजा भैया घुड़सवारी करना काफी पसंद करते हैं। उन्हें विमान उड़ाना बहुत पसंद है, जिसके चलते वह बिना किसी अनुमति के विमान उड़ाते हैं। एक बार विमान दुर्घटना में वह बाल बाल बचे थे। तो ये थी दिलचस्प कहानी कुंवर रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया की। मैं मिलूंगी फिर इसी तरह की किसी बाहुबली की कहानी को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।